दोस्तों, हम सभी के मन में सवाल है कि भारत में मिलने वाली कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में से अगर ऑप्शन दिया जाए तो हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो आज हम आपको इन तीनों वैक्सीन के बारे में बताने जा रहे हैं तथा ये भी बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा कारगर है और असरदार है। दरअसल वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया तीन तरह की होती है। पहला है इनएक्टिवेटेड फेज, जिस पर कोवैक्सीन आधारित है। दूसरी है वायरल वेक्टर वैक्सीन, जिस पर स्पुतनिक और कोविशील्ड आधारित है। तथा तीसरी है mRNA, जिस पर फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन आधारित हैं। दोस्तों, भारत में मिलने वाली कोवैक्स 81% तक असरदार है, तो वहीं कोविशील्ड लगभग 70% तक असरदार है, और वहीं स्पुतनिक वी जो कि रूस की वैक्सीन है 92% तक कारगर है। इन वैक्सीन की क्षमता उनके क्लिनिकल ट्रायल तथा लोगों पर किए गए प्रयोग के बाद घोषित की जाती है। हालांकि यह सवाल सभी के मन में उठता है कि आखिर कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि जो भी वैक्सीन आपके पास उपलब्ध हो वही जल्द से जल्द लगवाएं, क्योंकि दोस्तों वैक्सीन कोई भी हो कोरोना के खिलाफ यही सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद कुछ लोगों का सवाल है कि उन्हें कोविशील्ड ही क्यों दी जा रही है। तो दोस्तों, इसका जवाब है क्योंकि कोविशील्ड का प्रोडक्शन कोवैक्सीन के मुकाबले बेहद ज़्यादा है। जहां कोवैक्सीन का प्रोडक्शन महीने में केवल 1 करोड़ है, तो वहीं कोविशील्ड का प्रोडक्शन महीने में लगभग 6 करोड़ के आसपास है। इसीलिए देश के ज़्यादातर हिस्सों में कोविशील्ड ही लगाई जा रही है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक सच्ची जानकारी के लिए PSK ट्रुथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।